सूरत में आ वर्षे कोरोना वधता केसोने ध्यान में लई जहांगीरपुरा खाते आवेली इस्कॉन मंदिर द्वारा रथयात्रा न काढवानो निर्णय करायो छे। जहांगीरपुरा में आवेला इस्कॉन मंदिर द्वारा रथयात्रा न योजवानो निर्णय करायो छे। दर वर्षे इस्कॉन मंदिर द्वारा रेलवे स्टेशन थी रंगे चंगे भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा योजवामां आवी छे। जो कि आ वक्त कोरोना वधता केस ने ध्यान में राखी मंदिर द्वारा रथयात्रा न योजवानो निर्णय करायो छे। साथ भाविकों ने पण मंदिर परिसर में प्रवेश न आपवानो निर्णय करायो छे। માત્ર ગણતરીના લોકો દ્વારા જ ભગવાનનો રથ મંદિર પરિસરમાં ફેરવાશે તેમ જણાવ્યું હતું। સાથે ભક્તોએ ઘરે બેસીને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી દર્શન કરવા પડશે તેમ પણ જણાવ્યું છે। મારા નામ સચિસુત કુમાર દાસ ઓર મેં ઇસ્કોન સુરતમાં 28 સાલ સે હું। અભી જો રથયાત્રા કે કિસ હિસાબ સે કાર્યક્રમ રખે હુએ આપ? રથયાત્રા મેં તો પહેલે સારે પ્રોગ્રામ કિયે થે, હમને એપ્લિકેશન દિયે થે સીપી સાહેબ કો, પોલીસ કમિશનર સાહેબ કો। पर दो दिन पहले शाम को वो लोग आए और बोल के गए कि कोरोना वायरस के कारण आप रथ यात्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको कैंसिल करना पड़ा। बड़े दुख की बात है कि भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हम लोग। और सारे व्यवस्था हम लोग कर चुके थे कि सरकार कदाच हमको कुछ लोगों के लिए कुछ छोटे रास्ता से कम अनुमति दे, पर सरकार ने हमको अनुमति नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया। इसलिए रथ यात्रा जो बाहर जो होता था स्टेशन से लेके आठवा गेट और आठवा गेट से लेके जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर तक जो बड़ा रथ यात्रा होता था, ये साल नहीं हो पा रहा है। और मंदिर के परिसर में खाली जो परंपरा निर्वाह करने के लिए हम लोग रथ यात्रा छोटे से रथ में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाएंगे और यहाँ परिसर के अंदर ही घुमाएंगे और इसका वीडियोग्राफी करेंगे और वेबसाइट में डाल देंगे और आप लोग को मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा, आप लोग दर्शन कर पाएंगे। तो निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को पूजा कीजिए। आपके घर में है, दिल में है, उनका पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। कौन सी वेबसाइट है? वेबसाइट में बताऊंगा, अभी मेरे को पता नहीं, वेबसाइट में बता दूंगा। जहांगीरपुरा में इस्कॉन मंदिर द्वारा आ वक्त रथयात्रा न योजना निर्णय करायो छे। अजर कुरेशी साथे प्रकाश वाड़ा जी, टेंशन न्यूज।